गुड मॉर्निंग बच्चों, ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी में लेसन नंबर 24 मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा है। और इस लेसन में हम रुधिर वर्ग जो है वो अपन पहले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। रुधिर वर्ग जो है उसकी वंशागति से संबंधित आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, रुधिर वर्ग की वंशागति। बच्चों जो रुधिर वर्ग निरुक्त समूह वो आई जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी उसके लिए हमारे गुणसूत्रों पर एक जीन होता है जिसको आई जीन बोलते हैं। और इस जीन के 3 विकल्प मौजूद हैं, एक IA, IB और I0 या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं इसको। 3 विकल्प मौजूद हैं, हालांकि एक बार में केवल 2 ही विकल्प पाए जाते हैं, लेकिन संभावित विकल्प हमारे पास 3 हैं। तो ये किस तरह से रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं? रुधिर वर्ग ए के लिए संयुग्मजी अवस्था भी हो सकती है, यानी दोनों पर IA भी हो सकते हैं, या एक पर IA और एक पर IO भी हो सकता है। यानी ये वाला जो जीन है, ये दोनों जीन, ये तो होते हैं प्रभावी और ये वाला जीन होता है अप्रभावी। अप्रभावी अपना प्रभाव तभी दिखा पाता है जब दोनों संयुग्मजी अवस्था में हो। विषमयुग्मजी अवस्था में हमेशा प्रभावी का ही प्रभाव नजर आता है। तो इसमें कैसे वंशागति हो सकती है? जैसे हम बात करें एक सारणी के द्वारा, रुधिर वर्ग जो हमारे पास है वो 4 प्रकार के हैं, ए बी ए बी और ओ। तो ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इनके लिए जो इनका जीनोटाइप है, संभावित जीनोटाइप जो अपन कहेंगे, जिसको संभावित डायरेक्ट जीनोटाइप ले लेते हैं, इसको जीनोटाइप, यानी इसके लिए जो जिम्मेदार जीन है वो कौन से हो सकते हैं? जैसे आई के लिए हमने बात करी, रुधिर वर्ग आई होने के लिए या तो दोनों पर प्रभावी हो या एक पर प्रभावी हो और एक पर अप्रभावी हो। तो ये जीनोटाइप हो सकता है ए रुधिर वर्ग के लिए। बी वर्ग के लिए भी 2 संभावित जीनोटाइप हो सकते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी भी हो सकता है। ए बी के लिए हमेशा ये वाला जीनोटाइप होगा, यानी कि ये एक तरह की सहप्रभाविता वाली स्थिति आ गई जिसमें दोनों प्रभावी लक्षण एक साथ प्रकट हो रहे हैं, और इसके लिए जो जीनोटाइप है वो ये होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग के लिए हमारे पास 6 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं। ए के लिए 2 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं, बी के लिए भी 2 प्रकार के, ए बी और ओ के लिए एक एक प्रकार का जीनोटाइप हो सकता है। तो ये संभावित जो जीनोटाइप है, इस तरह से रुधिर वर्ग की वंशागति होती है। इसके बाद एक टॉपिक और इसमें है, वो है RH कारक। RH कारक भी एक एंटीजन है, ए और बी एंटीजन की तरह। और इसकी जो खोज की गई थी, इसकी खोज लैंड स्टीनर ने ही की थी और मकाका रिसस नामक बंदर में की थी। मकाका रिसस नामक बंदर में की थी, इसलिए इसका नाम जो है RH लिया गया, RH कारक। अगर किसी में ये RH कारक किसी के RBC पर
उपस्थित है, आरएच कारक उपस्थित है तो उनको हम आरएच पॉजिटिव कहते हैं, आरएच पॉजिटिव कहते हैं। और अगर ये आरएच कारक अनुपस्थित है, नहीं पाया जाता है किसी की आरबीसी पर, तो इनको आरएच नेगेटिव कहेंगे। यानी आरएच कारक का उपस्थित होना और ना होना, इस ये रुधिर वर्ग के पॉजिटिव और नेगेटिव होने या ना होने पर वो निर्धारित करता है। विश्व में, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में 85% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, पाए जाते हैं, और 15% जो है विश्व में जो लोग हैं वो आरएच नेगेटिव रुधिर वाले होते हैं। लेकिन अगर अपन भारत में ये स्थिति बात करें, अपने भारत में 93% तो पॉजिटिव होते हैं और 7% नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव रुधिर वर्ग हमारे इंडिया में रेयर है, रेयर मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब ये जो आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये किस प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है? कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग नेगेटिव है और उसको हमने पॉजिटिव का रुधिर दे दिया, चाहे ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव वाले को हमने ए का ही रुधिर वर्ग दिया है, लेकिन ए पॉजिटिव वाले को दे दिया, पॉजिटिव वाले में आरएच एंटीजन मौजूद है, वो नेगेटिव के शरीर में जाएंगे और नेगेटिव का जो शरीर है उस आरएच एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा, और बच्चों ये एंटीबॉडी उस पॉजिटिव वाले के रक्त को पूरी तरह से स्कंदित कर देगा, रुधिर फट जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये स्थिति एक महिला और एक पुरुष, अगर महिला और पुरुष में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उनसे होने वाली संतानों पर भी इस आरएच कारक का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है देखते हैं। मान लीजिए कि पुरुष जो है उसका रुधिर वर्ग है आरएच पॉजिटिव और महिला का रुधिर वर्ग है आरएच नेगेटिव। तो महिला का रुधिर वर्ग आरएच नेगेटिव है, पुरुष का रुधिर वर्ग आरएच पॉजिटिव है, तो संभावना होती है कि इनसे जो संतान होगी, प्रथम जो संतान होगी, ये जो संतान है इस माता के गर्भ में, चूंकि आरएच पॉजिटिव एक प्रभावी जो है जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, इसलिए उम्मीद ये होती है कि संतान जो है गर्भ में वो भी आरएच पॉजिटिव ही होगी। संतान क्या होगी? आरएच पॉजिटिव, जबकि माता क्या है? आरएच नेगेटिव। तो अभी तक ये जो संतान है गर्भ में, जिसको फीटस बोल रहे हैं, इसका रुधिर और माता का रुधिर किसी भी प्रकार से सीधे संपर्क में नहीं होता है, इसलिए ये संतान जो है ये पूरी तरह से सुरक्षित है, प्रथम संतान। और प्रथम जब प्रसव होता है, फर्स्ट जब डिलीवरी होती है, तो ये जो संतान है जो कि प्रथम संतान है, प्रथम संतान ये पूरी तरह से स्वस्थ होगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के समय इस संतान का कुछ रुधिर जब इसकी गर्भनाल को काटा जाता है तो वहाँ से कुछ रुधिर संतान का माता के रुधिर के साथ मिल जाता है, और हम कह सकते हैं कि कुछ आरएच पॉजिटिव एंटीजन, आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है वो माता के रुधिर में आ जाते हैं। ये माता का शरीर है, इसके अंदर आरएच पॉजिटिव एंटीजन आगे, यानी आरएच एंटीजन आगे, क्या आगे? आरएच एंटीजन। तो अब प्रथम संतान जो है वो नॉर्मल पैदा हुई, लेकिन इसका रुधिर यहाँ पर मिल गया, तो इसका जो रुधिर में आरएच एंटीजन आया तो माता का शरीर इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडी, जो इस एंटीजन को तो नष्ट कर देता है और हमेशा के लिए इसके अंदर मौजूद रहेगा। अब क्या होता है, जब दूसरी संतान गर्भ में होती है, यानी कि ये प्रथम संतान थी, अब जब दूसरी संतान यानी कि द्वितीय फिटस माता के गर्भ में है, तो ये जो एंटीबॉडी है
ये प्लेसेंटा से होते हुए अंदर चले जाते हैं। पहले एंटीबॉडी नहीं थे, प्रथम संतान के दौरान एंटीबॉडी नहीं थे, लेकिन जब फर्स्ट डिलीवरी हुई तो कुछ बच्चे का रुधिर माता के रुधिर से मिल गया, तो उस रुधिर में आरएच जब एंटीजन पहुंचे तो माता के शरीर ने उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिए, और अब ये एंटीबॉडी इसके रक्त में है, माता के रक्त में। तो जब द्वितीय संतान होगी तो ये एंटीबॉडी रक्त से होते हुए माता के प्लेसेंटा से होते हुए संतान तक जाएंगे और संतान की आरबीसी को नष्ट करके उस संतान को गर्भ में ही जो है उसके रुधिर का स्कंदन कर देंगे, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इस स्थिति को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। गर्भ में ही संतान की मृत्यु हो जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं, प्रथम संतान तो नॉर्मल थी, लेकिन द्वितीय जो संतान होगी उसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। अब इसका बचाव कैसे करें? बचाव यही है कि जब प्रथम संतान यानी प्रथम जब डिलीवरी हुई थी तो उसी समय क्या करते हैं, उसी समय हम एक इंजेक्शन लगाते हैं माता को, और वो जो इंजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम डिलीवरी के पश्चात कुछ आरएच एंटीजन माता के रुधिर में आ गए थे, तो अब अगर हम इस माता को इंजेक्शन लगाते हैं एक एंटी आरएच का, इसको रोगम बोलते हैं, रोगम। तो ये इंजेक्शन में क्या है, इसमें एंटीबॉडी होते हैं आरएच एंटीजन के विरुद्ध, तो ये एंटीबॉडी बाहर से डाले गए हैं, ये इस एंटीजन को नष्ट कर देंगे, और ये कुछ समय बाद इनकी मात्रा कमी होती है, इतनी मात्रा होती है कि एंटीजन को नष्ट कर सके। 72 घंटे के अंदर ये इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो अब क्या है, इस एंटीबॉडी की वजह से एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो माता के शरीर जो है उन एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, क्योंकि एंटीजन हमने पहले ही नष्ट कर दिए हैं। और अब इसके बाद जितने भी संतानें होंगी, यानी हर एक डिलीवरी के पश्चात ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इस स्थिति से बच सकते हैं, इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कंडीशन से बच सकते हैं। तो आरएच जो कारक है वो भी रुधिर आद्यान यानी रुधिर का आदान प्रदान करते समय उसको भी चेक किया जाता है। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव का रुधिर देते हैं, नेगेटिव वाले को नेगेटिव का रुधिर देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह अपने वीडियो लगातार देखते रहें और शेयर भी करते रहें, पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।